नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, देखा जाए तो महीनों का आपका इंतज़ार है और ये खबर सुनने के लिए बहुत परेशान आप लोग हो लिए हो, मुझे पता है। और हो लिए हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। ये खबर आपके लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तमाम शिक्षक भर्तियाँ जो उत्तर प्रदेश में पिछले साल से फंसी हुई है, पिछले साल क्या बोलूँ मैं, ये बोलूँगा वर्ष 2018-19 के बाद से ही फंसी हुई है, इतना स्लो हो गया था उसका, कहीं ना कहीं अब जाके ऐसा लग रहा है कि आगामी जो महीने हैं वो आपके लिए बहुत विधिवत, बहुत अच्छा होने वाला है। 2 मई 2023 की खबर है और ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। ये वही शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो तमाम उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण, इन सारे विभागों का काम क्या कर दिया था, ठप कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे सदस्य ही नहीं थे। और सदस्य इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहे थे क्योंकि एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना था। ये पिछले 8 महीने 9 महीने से प्रस्तावित था, बट अभी ये इस पे क्या हो गया है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बट इतना पढ़ो। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 4/6/2020 से ये चल रहा है, मतलब 2020 को जून 2020 में सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद 7/12/2020 संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 3/1/2023, 15/3/2023 और 4/4/2023 को संपन्न प्रस्तुतिकरण बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019, क्योंकि ये 19 से चल रहा है, आप समझ लो ये अधिनियम जो चल रहा है, इसी कारण से सारी चीजें लेट थी। और अब उसकी 12 सदस्यीय जो टीम है वो क्या हो गई है, गठित हो गई है, गठन किया जाता है। और जो मेंबर हैं वो इनमें देख सकते हो कि कौन कौन है, हालांकि इन मेंबर से मतलब आपको नहीं है। अभी आपको जो मेन मतलब है वो मतलब किससे, मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने से आपको फायदा किससे मिलेगा। तो सबसे पहले एक जो आपकी टीजीटी पीजीटी इनकी वैकेंसीज थी, इनके एग्जाम जल्दी से जल्दी होंगे। उसके बाद आपका जो सुपर टेट, सबसे ज्यादा इंतजार कर लो, ये बहुत जल्द आपका होगा। यही नहीं, आपका यूपी टेट भी बहुत जल्द, अब नया यूपी टेट आने वाला है। तो ये सारी ही चीजें आपकी अब बहुत क्विकली होने वाली है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मे लास्ट से आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा। सर्वप्रथम आपको टीजीटी पीजीटी की डेट घोषित की जाएगी, सुपर टेट का नया विज्ञापन भी आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि पहले यूपी टेट करा लेंगे तब सुपर टेट कराएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अपनी तैयारी अब आप लोग तेज कर दीजिए, स्ट्रांग कर दीजिए, उसमें थोड़ी सी तेजी लाइए, क्योंकि समय बाद में बहुत कम मिलेगा, अगला वर्ष चुनावी वर्ष है तो ज़्यादा समय दिया नहीं जाएगा। थोड़ा सा मेरी बात पे अमल कीजिएगा, जब जब भी मैं आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ तो हमेशा आपके हित में कुछ बातें करता हूँ, और इस बात पे अमल करते हुए कहीं से भी तैयारी कर रहे हो बच्चों, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट तैयारी आप शुरू कर दो। मैं आपको इतना बताऊंगा कि टीम परीक्षा प्लस तमाम टीचिंग एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि बच्चों का जिस प्रकार से मदद कर सकते हो उस प्रकार से मदद करें। और हमने तमाम पिछले कुछ महीनों में निशुल्क कोर्स यहाँ पे आप लोगों के लेके आए हैं। फिर से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो मैं आपको सबसे ज़्यादा जो मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि आपके लिए सारे कोर्सेज निःशुल्क दिया जाएगा। अभी टीम परीक्षा प्लस बहुत बड़ा आपके लिए अनाउंसमेंट भी करने वाली है। चैनल पे अगर आप नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन पुश कर लीजिएगा। तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको अब कहीं सोचना नहीं है, कोई विकल्प नहीं ढूंढना है, और बहुत बेहतरीन, बहुत ही क्वालिटेटिव आपकी तैयारी परीक्षा प्लस में होने वाली है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।